Welcome back. Kedarnath temple opened for all the devotees on Friday, May 6. More than 10,000 pilgrims were present at the Kedarnath Dham as the doors of the famous Lord Shiva shrine opened after 6 months. Well, the Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, along with his wife, also offered prayers at the Kedarnath Mandir. And after almost 2 years, the Chardham Yatra commenced without the COVID-19 restrictions ever since the pandemic began. केदारनाथ पहुंच चुकी हूं मैं और केदार धाम में जिस तरह से भक्तों का सैलाब लगा है वो अपने आप ही बेहद खूबसूरत है। और ये खूबसूरत तस्वीर जो है हम सीधे आपको कैमरे से दिखाना चाहेंगे किस तरह से केदारनाथ में केदार धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये वो तस्वीर है जिसे दो ढाई साल के बाद लोग जी रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और देखिए ये खूबसूरत तस्वीर अविस्मरणीय पल ही है जो लोग अब तक अपने फोन्स पे कैप्चर करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए तमाम लोग मेरे साथ हैं। तो आप लोगों ने शिव शंभू के दर्शन कर लिए? जी नहीं अभी लाइन बहुत लंबी है। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कब प्रभु के दर्शन होंगे, और जब दर्शन होंगे तो मन जो है चंगा हो जाएगा। वो वाले इसी बात पे कह देते हैं हर हर जय शिव शंकर, जय शंभू, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बात बताइए आप लोग पहुंचे कैसे? इतने दुर्गम रास्ते हैं, इतने जटिल रास्ते हैं, कैसे आना यहाँ तक पहुंचना आसान था या फिर लगता था कि बाबा पहुंचा देंगे? बस कृपा केदार धाम की कृपा है सर, बाबा की कृपा थी कि बस बाबा से हाथ जोड़ते रहे, बाबा का श्रवण करते रहे, बम बम बोले बोलते रहे और बाबा ने हमारी नैया पाल लगा दी, बाबा दरबार में पहुंचा दिया बाबा ने। तो एक बात बताइए क्या लग रहा है दर्शन का, कितने देर आप लोग यहाँ पे रहने वाले क्योंकि ये पूरा नजारा इतना खूबसूरत है, बर्फ के पहाड़। दर्शन करके जाएंगे, मन नहीं है बिल्कुल एकदम जाने का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बस बस जब दर्शन करके ही जाएंगे। तो आपका एक बात बताइए आप लोग का बाबा के दर्शन करने का, भैरव जी के दर्शन करने का भी कोई प्लान है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, भैरव जी का दर्शन भी करने जा रहे हैं, अब हम वही जा रहे हैं, फिर आने के बाद में बाबा के दर्शन करेंगे। अच्छा आप सब लोग आए कहाँ से, एक बार हमारे दर्शकों को भी पता चल जाए। दिल्ली से आए, दिल्ली से। तो ये दिल्ली वासी हैं जो पहुंचे केदार धाम, लेकिन भैरव जी के दर्शन करने भी जाएंगे। और देखिए कितना मुश्किल होता है यहाँ चढ़ाई तक, पूरा यहाँ तक पहुंचना। और भैरव जी के दर्शन के लिए मैं आपको रास्ता दिखाना चाहूंगी आपको उस तरफ, जो आपको चढ़ाई नजर आ रही है, जो आपको दुर्गम रास्ता नजर आ रहा है वो पूरा का पूरा भैरव जी की तरफ जाता है। और कहा जाता है कि जो लोग केदार धाम दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा के, वो भैरव जी के दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। ऑलराइट, वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वी विल बी राइट बैक विद टॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स, स्टे विद अस।